एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से किस तरह डिवाइड करना है, बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, पर बिल्कुल इजी है अगर जो आप चार स्टेप, इस वीडियो में मैं आपको चार स्टेप बताऊंगा, ये चार स्टेप अगर जो आप फॉलो करोगे तो कोई भी डिवीजन आपको करना हो, एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करना हो, बिल्कुल इजी मेथड है, ठीक है ना। तो देखो किस तरह होगा, अभी हम जो है स्टैंडर्ड 10th में सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल उसका एग्जांपल 6 कर रहे हैं, ओके। तो आप देख सकते हो एग्जांपल 6 डिवाइड, इस पॉलीनोमियल को इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है, बिल्कुल इजी है। देखो ये हमें जो दिया हुआ 2x² + 3x + 1, ठीक है ना, ये पॉलीनोमियल को इससे हमें डिवाइड करना है x + 2 से, ठीक है। तो क्या करना है, देखो टोटल चार स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या होगा, ये जो अंदर है 2x² इसका फर्स्ट टर्म लूंगा, ये जो अंदर पॉलीनोमियल है उसका मैंने फर्स्ट टर्म लिया, और जो बाहर पॉलीनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म, मींस इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। ये जो इसको इससे डिवाइड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, ये 2 से x² में से x है तो क्या बचा, x मतलब 2x आया, ये आपका पहला स्टेप हुआ, जो आंसर है 2x वो यहां पे रखो, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या करोगे, ये 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x², 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 2 = 4, 4x, ये आपका हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप साइन चेंज करो, देखो इसको प्लस की साइन है 2x² को तो माइनस करो, 4x को भी प्लस की साइन है तो माइनस करो, ठीक है ना, साइन चेंज कर दो, ओके। ये तीसरा स्टेप, और चौथा स्टेप इसको सॉल्व करो, चौथे स्टेप में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, भाई 2x² और 2x², ये प्लस में माइनस में कट हो जाएगा, फिर 3x और 4x दोनों में से बड़ा 4x, 4x को कौन सी साइन है, नीचे की साइन देखनी है, माइनस, ठीक है, तो माइनस में आएगा, इसको माइनस है इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो 4x में से 3x है तो रिमेनिंग क्या बचा, x, और ये प्लस 1 से, ठीक है। तो ये जो चार स्टेप है अभी फिर से रिपीट होंगे, किस तरह, भाई अंदर जो पॉलीनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस एक्स फर्स्ट टर्म, और इसका फर्स्ट टर्म एक्स, डिवाइड करना है, ठीक है, वही सेम स्टेप चारों स्टेप रिपीट करने हैं, अभी इसको इससे डिवाइड करो तो एक्स कट जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा, माइनस 1, फिर यहां पे माइनस 1 रखूंगा, ठीक है। ये पहला स्टेप डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो यहां पे रखेंगे, और ये फर्स्ट टर्म सेकंड मींस फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करोगे, माइनस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x, फिर माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, माइनस 2, ठीक है ना, 2 × 2 और प्लस माइनस माइनस, ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में साइन चेंज करो, इसको माइनस है तो प्लस होगा, इसको माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है, तो एक्स माइनस में एक्स प्लस में, चौथा स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्स माइनस में और एक्स प्लस में कट होगा, अभी ये 1 और 2 दोनों में से बड़ा 2, 2 को कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, इसको प्लस है इसको भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो आपका जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हुआ, आपका क्वेश्चन हुआ 2x - 1, और रिमाइंडर क्या हुआ, आपका रिमाइंडर हुआ आपका 3, ठीक है। तो इस तरह कभी कोई भी पॉलीनोमियल को आपको अगर जो डिवाइड करना हो तो ये चार स्टेप को फॉलो करो, कोई भी आपकी पॉलीनोमियल मतलब डिवाइड इजीली हो जाएगा। इसके बाद भी अगर जो आपको डाउट है, आप तकलीफ हो रही है किसी भी सम में, जरूरी नहीं है ये डिवाइड ही, आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन पे आप ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आप पूछ सकते हो, और जो भी अपडेट होता है मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे करता रहता हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी आप डाउट पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।